आज एक एक्टिविटी डिवाइस की है जिसके लिए सामान है हमारे पास। ये लंबा सा सिलेंड्रिकल बर्तन है कांच का, पुरानी बॉटल का। इसकी जगह आप ग्लास भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें मैंने ऊपर तक पानी भरा है, थोड़ा सा एक कटोरी में दूध, एक चम्मच, एक मोबाइल जिसमें कवर लगा हो, और कुछ लाल और वॉयलेट रंग के कलर के कपड़े के टुकड़े। इनसे हम लाल रंग और वॉयलेट रंग की लाइट को निकालेंगे मोबाइल टॉर्च को यूज करते हुए। तो हमने दूध लिया है ताकि हम इस पानी का माध्यम कोलाइडल बना सकें, थोड़ा सा धुंधला, जैसे कि फॉग के टाइम में हवा का, मतलब कि धुंध के टाइम में हवा का रंग हो जाता है। इस बॉटल में पानी हम पानी में बॉटल के पानी में हम धीरे धीरे करके बूंद बूंद करके ये दूध डालेंगे जब तक ये फॉगी जैसा ना हो जाए। अगर ये उस जरूरत से ज़्यादा दूध डल गया तब भी इफेक्ट ठीक से नहीं दिखेगा, और कम रहा तब भी इफेक्ट ठीक से नहीं दिखेगा। तो अब हम इसमें बूंद बूंद करके दूध डालते हैं। मैंने 1-2 ड्रॉप डाला, 3-4 और ये 5, और उसी चम्मच में डाल दिया है। अभी भी इसमें धुंध जैसा नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ा सा इसमें 1-2 ड्रॉप और डालूंगी। 1-2 तो अब काफी धुंधला हो गया है, काफी धुंधला माध्यम हो गया है। तो अब इस मोबाइल के टॉर्च को मैं ऑन करूंगी और इस पर सबसे पहले लाल रंग के कपड़े का टुकड़ा इसके ऊपर रखूंगी। ये डबल कपड़ा लिया हुआ है मैंने, और इसको रख के टॉर्च के ऊपर मैं इस पर ये बॉटल रखूंगी। आपको कुछ दिख रहा होगा, अभी मैं लाइट्स ऑफ करती हूँ तो आपको इफेक्ट अच्छे से पता। तो आपको इसमें दिख रहा है कि लाल रंग ऊपर तक दिख रहा है, पूरी लेंथ तक लाल रंग हमें दिख रहा है, पूरे फॉगी वातावरण में लाल रंग ऊपर तक दिख रहा है, लाल रंग की लाइट ऊपर तक दिख रही है। अब हम इसी एक्सपेरिमेंट को, इसी एक्टिविटी को वॉयलेट रंग के कपड़े से करेंगे। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे कि वॉयलेट रंग जो है वो नीचे नीचे दिख रहा है, जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं वॉयलेट रंग हल्का होता जा रहा है, जबकि पिछली बार हमने देखा था कि लाल रंग पूरी लंबाई तक एक जैसा था। तो वॉयलेट रंग सिर्फ लगभग इतनी दूरी या इतनी दूरी तक, और आप दूर से देख रहे हैं, पास से मैं देख पा रहे हैं, वॉयलेट रंग जो हमें दिख रहा है सिर्फ 1 सेंटीमीटर तक दिख रहा है, उसके ऊपर ही बिल्कुल हल्का हो गया, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सा, जैसे बगैर किसी रंग के वाली रोशनी को ऐसा दिख रहा है। लाल रंग का तरंग दर्द ज़्यादा होता है तो जो कोलाइडल सॉल्यूशन के कण हैं वो उसको इतना डिफ्लेक्ट नहीं कर पाते, इतना स्कैटर नहीं कर पाते, स्केटर इज द राइट वर्ड, इतना स्केटर नहीं कर पाते। तो लाल रंग दूर तक हमें दिखता है, और वॉयलेट रंग जो आसानी से स्केटर नहीं हो पाता है कोलाइडल रंग के सॉल्यूशन के कणों से, कोलाइडल के कणों सॉल्यूशन के कणों से, तो वो स्केटर हो जाता है सारा रंग, इसे हमारी आंखों तक पहुंचने से पहले ही वो वैनिश हो जाता है। इसी कारण से दोपहर के वक्त जो सूरज का रंग है वो हमें लाल नहीं दिखाई देता है, सुबह और शाम के वक्त सूरज का रंग लाल दिखाई देता है, क्योंकि सुबह और शाम के वक्त सूरज जो है वो धरती से थोड़ा सा, जहाँ पर, क्योंकि धरती गोल है तो अगर कोई मनुष्य यहाँ कहीं भी खड़ा होगा तो वो गोलाई के एक ऊंचाई पर खड़ा होगा, जैसे गोलाई की ऊंचाई पर, तो अगर सुबह और शाम के वक्त सूरज यहाँ पर जब उग रहा है तो वो डिस्टेंस ज़्यादा है, तो अधिकतर जो बाकी रंग है वो सारे स्कैटर हो जाते हैं और केवल लाल रंग हमें दिखाई देता है, हमारे आंखों तक पहुँचता है। लेकिन जैसे जैसे सूरज ऊपर उगता जाता है तो ये डिस्टेंस कम हो जाता है, और दोपहर के वक्त जब सूरज बिल्कुल यहाँ पहुँच जाता है और डिस्टेंस और भी कम हो जाता है, तो उस वक्त हमें सफ़ेद रंग की रोशनी दिखाई देती है।